अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ करार पंचायत जंबो जेन 2 रेगुलेटेड। बिल्कुल जी, ये नेक्स्ट जनरेशन की गन है फर्स्ट जनरेशन में, और इसमें क्या फ़र्क है? तो इसमें ये फ़र्क है कि ये रेगुलेटेड होके आई है। पहली वाली में रेगुलेटर इंस्टॉल नहीं था, तो ये लेन रेगुलेटर इंस्टॉल किया है, अल्टारस रेगुलेटर इंस्टॉल किया है इसके अंदर। और इसके अलावा ट्रिगर को इम्प्रूव किया गया है, ट्रिगर वेट इसका मुख्तलिफ है, और कहा गया है कि इसकी जो बैरल है उसको भी इम्प्रूव किया गया है, पॉलिशिंग वगैरह बेहतर है पहली जो जनरेशन की गन थी उससे। दो गेजे हैं जी, एक यहाँ पे है और नीचे है, ये रेगुलेटर की गेज है, और साथ में यहाँ पे फिलिंग करने के लिए कोई कनेक्टर दिया गया है। एक वजह से इसकी पहले भी बहुत अच्छी थी, आप देखते हैं कि रेगुलेटर या इसको जेन 2 करने के बाद एक्यूरेसी में क्या इम्प्रूवमेंट आई है वो भी चेक करते हैं हम। इसकी प्राइस है जी 1,05,000 रुपये, ये आप हमसे भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा जी हमने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, उस पर भी जाके आप विज़िट करें, और लेटेस्ट जो प्राइसें हैं गन्स की, पैलेस की, दूसरे स्कोप वगैरह जो भी चीज़ें आप ख़रीदना चाहें तो सारी डिटेल उनकी उस पर है। www.forhunterspk.com पे आप जाएं और ये सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिलेगी। तो हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें और वहाँ पे अपने रिव्यू भी दर्ज करें, हमें बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट यकीनन होगी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो वो भी ज़रूर लिखें हमें बताएं। आपके मशवरे हमारे लिए मशाले रहा होते हैं, आपके मशवरों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा ये सिंथेटिक में स्टॉक में भी दस्तियाब है, बाकी सेम है जी, इसकी जो मशीन है वो सेम है, चेसी चेंज है, तो ये सिंथेटिक है। और ये एडजस्टेबल इसका बट पैड है, आगे पीछे टेक्टिकल डिज़ाइन है, ये क्लासिक वॉलनट स्टॉक में है, और ये टेक्टिकल सिंथेटिक स्टॉक में है। तो इसका चीक रेस्ट भी ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं, और बट पैड को भी आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो सेम हैं। इसकी भी प्राइस 1,05,000 है। ये दोनों हमारे पास दस्तयाब हैं, आप ख़रीद सकते हैं, नीचे नंबर दे दूंगा, और वेबसाइट पे भी लाजमी विज़िट कीजिएगा जी। दोस्तों, करार पंचायत जंबो जेन 2 रेगुलेटेड वॉलनट स्टॉक में इसकी क्रोनी करते हैं कि ये हमें परफेल में कितने शार्ट्स दे सकती है रेगुलेटेड। इसके सिलेंडर को देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है जी मैक्स 200 बार तक आप भर सकते हैं इसको, और ये 425 सीसी का इसका सिलेंडर है। लेकिन जब ये नॉन रेगुलेटेड थी तब भी यही लिखा होता था कि 200 बार तक आप भर सकते हैं, तो अब ये रेगुलेटेड होके आई है तो हमने इसको भरा है तकरीबन 250 बार तक। फैक्ट्री रिकमेंडेड तो नहीं है लेकिन हमने इसको भरा है, अब ये 250 बार तक है। जी तकरीबन ये 240 बार है, तो थोड़ी सी कम है, कुछ 10 बार हवा कम है इसमें 250 बार तक। तो देखते हैं कि 250 बार से लेकर और जो इसका रेगुलेटर है वो 120 बार पे है जी। बिल्कुल, जो रेगुलेटर है इसका वो 120 बार पे है, तो हमें ये 240 से लेकर 120 बार तक ये कितने शॉट्स दे सकती है वो हमने देखना है। कंपनी तो कहती है कि इसको 200 बार तक भरें, लेकिन हमने इसको 240 बार तक भर लिया है, देखते हैं कि ये
240 बार पे इसका रेगुलेटर काम करता है या नहीं। अगर नहीं करता तो करना चाहिए इसको रेगुलेटर 250 बार तक तो काम करे, तब ही वो अच्छा एक रेगुलेटर माना जाएगा। अगर ये 200 बार तक काम करता है तो फिर तो रेगुलेटर करने की इसको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसका वेल सिस्टम वैसे भी अच्छा था, 200 बार पे उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी। तो शुरू करते हैं जी। शुरू हो गई है जी पहली शॉट खेलते हैं। हमें रीडिंग नहीं मिली जी पहली शॉट की, आवाज़ इसकी काफ़ी है। रीडिंग फिर भी नहीं मिली, दो शॉटें हो गई हैं, आवाज़ इसकी ज़्यादा है इंडोर में। साइलेंसर को लगाते हैं इसको। आठ सौ इक्यासी ये तीसरी शॉट थी। आठ सौ इक्यासी छः पाँच जी 12 शॉटें हो गई हैं और कुछ सेपरेट मिला है 11 का। जो भी शॉटें हो गई हैं और हमें जो सेपरेट पहुंचा है इस वक्त वो 60-59 तक गया है, कोई 21-22 FPS का सेपरेट हो गया है जी अब तक। जी 36 शॉटें हो गई हैं और सेपरेट है वही 21-22 का, 200 बार से नीचे फिर जो विलास्टी है उसके उसमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं है। जी 48 शॉटें हो गई हैं और सेपरेट वही है 22 का, एक शॉट में मिली है 39 की, वो पहले ख़राब हो सकता है। 200 बार से नीचे अगर देखें तो वो सिर्फ 11 FPS का सेपरेट है। जी 60 शॉटें हो गई हैं और एकदम से ऊपर गया है, मेरा एक क्रोनोग्राफ ने एरर दिया है, तो ये पहुंचा जी 140 पे, अभी 140 पे पहुंचा है और रेगुलेटर जो हमारा सेट है वो 120। जी नीचे आया है एकदम से,
जी 72 चार्ज हुए हैं और अभी वो 849 पे आया है। तो बिल्कुल 72 शॉटें मिली हैं हमें, अगर देखा जाए 59 से 94 तो ये कोई 34 FPS का सेपरेट बनता है। ये रेगुलेटर की सेटिंग अगर हो 135-40 पे और 881-80 पे हमें शॉटें मिलेंगी, तकरीबन कोई 65 के करीब बिल्कुल परफेक्ट। इस वक्त रेगुलेटर इसका है 120 पे सेट, तो जो मेरी रिकमेंडेशन है 135-40 पे रेगुलेटर इसका सेट करें, 880 FPS लें तो ये 60-65 बेहतरीन शॉटें मिलेंगी आपको, तकरीबन कोई 10-12 FPS के सबरेट के साथ। तो जी दोस्तों 50 यार्ड पे इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं JSP-18 ग्रेन के साथ। इसको मैंने 0 बैच के साथ भी टेस्ट किया है और फिर 9 बैच के साथ भी, 9 बैच के साथ इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है निस्बतन 0 बैच के साथ भी अच्छी है, लेकिन 9 बैच के साथ ज़्यादा अच्छा ग्रोम मिला है मुझे। वैसे तो इसकी 23 इंच की चॉक्ड बैरल है, चॉक्ड बैरल होने की वजह से कोई भी आप बैच चला लें 0 से लेकर 9 तक तो वो आपको तकरीबन अच्छा ही रिज़ल्ट देगी। पैरालैक्स एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है जी, अगर आप पैरालैक्स सही तरीके से एडजस्ट नहीं करते तो ग्रोप खुला बन सकता है, जहाँ पे देखेंगे आपको वहीं पे नज़र आएगा, हालांकि वो फ़र्क होगा। तो पैरालैक्स एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। जी आप गन को किस तरह होल्ड रखते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, कभी आप टेढ़ा कर दें कभी सीधा कर दें तो इससे भी ग्रोप में फ़र्क पड़ सकता है। जी बिल्कुल पड़ जाता है। इसलिए बबल लेवल लगाया जाता है ताकि आप गन हमेशा सीधी रखें। हवा है जी लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही हवा, सामने झंडा है वो मैं आपको दिखा दूँ, तो हवा है काफ़ी चल रही है तकरीबन कोई 7-8 मील फी घंटा की रफ्तार से। अच्छा ग्रुप बना जी, थोड़ा एक पहले रूपा लगा है, बाकी तकरीबन सेम होल में लगे हैं। यहाँ पे तो हवा नहीं क्योंकि ये आड़ है, जहाँ पे टारगेट लगा हुआ है तो वो ओपन एरिया है, तो वहाँ पे जाके इस पे ऐसा असरअंदाज हो सकती है। एक और ग्रुप लेते हैं। जब आप देख रहे होंगे टारगेट मेरा हिल रहा है हवा की वजह से,
जी इसके मैगजीन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है जी। नीचे या तो मैग्नेट हो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि जब इसका बैलेंस आउट होता है, जैसे अगर ये फुल हो तो ठीक है, अगर ऊपर चार पांच शॉट आप लगा लें तो पैलेट का वज़न आ जाता है इस साइड पे। तो हल्का से भी अगर आप यहाँ पर टेल करेंगे तो मैगजीन वो गिर जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी अगली जनरेशन में जब अगला मॉडल आएगा तो इसको वो इम्प्रूव करेंगे। ये देखें इधर आ जाता है, कमाल की एक्यूरेसी जी। एक्यूरेसी तो इसकी बहुत कमाल है, पहले भी इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। इसको मैंने काफ़ी अच्छे इस्तेमाल किया है, वो 2.5 में थी तो इसके साथ मेरी बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हैं। लंबी लंबी शॉटें इसके साथ अब मैंने खेली थी, 100 प्लस यार्ड्स मीटर पे मैंने मुर्गाबियां हंट किए हैं इसके साथ। तो इसके साथ एक दिल्ली लगाव भी है मेरा। हाँ जी आप इसको आजमाते हैं। ये जी बाईजान मैच ये चाइनीज़ पैलेट है, तो ये एक सस्ता पैलेट है जी, 18 ग्रेन में है लेकिन निस्बतन सस्ता है। आजमाते हैं जी 50 यार्ड पे बाईजान मैच 18 ग्रेन 18.2 ग्रेन। बुलजाई लगा है, थोड़ा ऊपर गया है जी। किधर निकला है, ठीक है परफॉर्मेंस लेकिन वैसे नहीं है जितनी तवक्का कर रहा था मैं। हाँ जी प्रो मैग्नम के साथ भी इसको आजमा कर देख लेते हैं। नॉट बैड, ये NSX स्लग हैं 24.8 ग्रेन का ये स्लग है और हेड साइज़ है इसका 217, अमूमन 218 हेड साइज जो है वो मैंने अच्छा चलता हुआ देखा है एयरगन में। 217 हेड साइज़ थोड़ा कम हो जाता है, जो नॉन चोक्ड बैरल हैं वो अच्छा नहीं चला पाती। 218 जो हेड साइज़ है जिनका वो बहुत अच्छा चलता देखा है मैंने।
हमारे पास जो ये स्लग एचपी है, ये 218 हेड साइज़ के साथ है 21 ग्रेन में, ये शायद अच्छी परफॉर्मेंस दे। इसको भी देख लेते हैं, एनएसए को भी, एनएसए के वैसे स्लग अच्छे हैं, लेकिन स्लग का अच्छा होना लाजमी नहीं होता, ये होता है बैरल के ऊपर। और यहाँ से शुरू करते हैं, ये सब कैमरा भी है, स्लग का कोई पता नहीं कहाँ चला जाए। बेटा चुप करें, जाए, शाबाश। एक दो तीन चार पाँच, एक और ग्रुप लेते हैं जी। मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा कि लगे कहाँ पे, वीडियो में तो नज़र आ जाएगा आपको। मैं थोड़ा ऊपर करके मारता हूँ, ये नीचे लग रहे हैं थोड़े। ठीक है, बुलदाई बुलदाई, कमाल हो गया जी। मेरे ख्याल में पूरे हो गए, एक और ले रहे। मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था इतनी इतने अच्छे रिजल्ट की। अच्छा रिजल्ट है जी, और हेड साइज भी इनका छोटा था। स्लग एचपी 21 ग्रेन का है, और जो हेड साइज़ है इसका 218, तो मुझे इनसे ज़्यादा तवक्को है कि शायद ये रिज़ल्ट इनसे बेहतर दें। बाकी देख लेते हैं, बैरल का जी कुछ पता नहीं होता कि क्या वो परफॉर्म करती है। बार दफ़ा हमारी तवक्कोआत से बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है, और बाज़ दफ़ा हमारे तवक्कोआत के बहुत उलट काम चला जाता है। स्लग एचपी 21 ग्रेन 218 हेड साइज 50:8 पे चेक करते हैं जी। अब पॉइंट इंपैक्ट क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल इसको ज़ीरो पे लगाते हैं। जी पॉइंट ऑफ इंपैक्ट इनका बेहतर है, ऊपर है वो, क्योंकि 24 ग्रेन के थे, 24.5 से ये 21 ग्रेन के, तो ये थोड़ा ऊपर लग रहे हैं। Not bad. नीचे गया है जी।
जी एक दो तीन चार पाँच जी ग्रुप अच्छा है। एक और ग्रुप भी लेते हैं, मैं थोड़ा हाँ जी साइड पे हेड करूँगा ताकि बुलजाई लगे। ये लगाया जी बुलजाई, ये आ गए हैं जी रिज़ल्ट। तो सबसे पहले हमने जो ग्रुप लिया है JSB 18 ग्रेन 9 बैच के साथ, तो उसका रिज़ल्ट ये अगर एक ऊपर पैलेट ना लगता तो ये ग्रुप 1 होलर ग्रुप होता। अब भी अगर सेंटर टू सेंटर देखा जाए तो 0.45 बहुत उम्दा ग्रुप है जी। अगर इस ग्रुप को मेजर करें तो ये तो उससे भी ज़्यादा टाइट ग्रुप है ये जी। सेंटर टू सेंटर का पॉइंट इसको मैं खींच लेता हूँ जी 40.40 तक, तो ये बहुत ज़बरदस्त बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूरेसी है जी। हाँ जी भाईजान के साथ परफॉर्मेंस 50 यार्ड तक तो आप कह सकते हैं। ये 1.25 इंच में ग्रुप है, अगर इसको भी मिलाएं तो ये बहुत 2 इंच में बन जाता है। प्रो मैग्नम के साथ ये 1, 2, 3, 4, 5 तो ये भी कोई 1.25 इंच में है। इसके अलावा जी हमने इसको टेस्ट किया है इसके साथ वो स्लग के साथ, तो स्लग जो NSA के स्लग हैं अगर ये 4 पैलेट्स को देखा जाए तो ये 0.60 बहुत उम्दा ग्रुप है। एक इसको छोड़ दें फ्लायर को, तो इसको भी काउंट करें तो फिर ये 1.25 इंच में बन जाता है। फिर हमने दूसरा ग्रुप लिया है तो ये जी ये भी कोई 0.57 इसको काउंट करें ये फ्लायर को तो ये कोई 0.25 इंच में बन जाता है। इसको अगर फाइन ट्यून किया जाए थोड़ी सी इसकी वेलोसिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि ये स्लग है, स्लग जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो वो स्पिन ज़्यादा होगा और एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। तो ये है जी HNN के स्लग HP 21 ग्रेन का है, ज़बरदस्त 0.88 0.5 इंच में है। विलास्टिक का जी विलास्टिक है इशू, विलास्टी सलाक के हिसाब से कम है, 950 होनी चाहिए सलाक के साथ, जितना भी सलाक हो जितने भी ग्रेन का सलाक हो तो 950 होनी चाहिए विलास्टी। तो मज़ीद यानी कि सलाक चला सकती है मेरे हिसाब से तो ये सलाक चला सकती है जी। दोस्तों अच्छी परफॉर्मेंस है सलाक के साथ भी परफॉर्मेंस अच्छी है। मज़ीद अगर इसकी विलास्टी बढ़ाई जाए हैमर को ज़्यादा टाइट किया जाए तो मज़ीद एक्यूरेसी सलग के साथ बेहतर हो सकती है। ये नेक्स्ट जनरेशन की गन है, तो नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने जो अपडेट्स किए हैं वो इसमें रेगुलेटर लगाया है, ट्रिगर ब्लेड चेंज किया है,
ट्रिगर भी एडजस्टेबल है, इसको मज़ीद लाइट किया जा सकता है। इसमें जो अपडेट्स करने की ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत तो है इसके हैमर को अपडेट करने की, क्योंकि हैमर इसका मेरे हिसाब से डीबाउंस कर रहा है, जिसकी वजह से एयर ज़ाई हो रही है। 425 सीसी का इसका बड़ा सिलेंडर है और 23 इंच की 23 इंचेस की लंबी बैरल है, तो मैं तवक्को कर रहा था कि 100 प्लस शॉट्स हमें मिलेंगी, लेकिन वो नहीं मिली। 60-65 के करीब शॉटें मिली हैं, तो हैमर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर हैमर इम्प्रूव हो जाता है तो ये 100 प्लस शॉट्स आराम से दे सकती है। मैगज़ीन को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये देखें, ये इस तरफ आ जाता है, नीचे कोई मैग्नेट वगैरह लगाएं ताकि वो जाके चिपका रहे, इधर उधर ना हिले। इसकी प्राइस है जी 1,05,000 रुपये, आप हमसे ख़रीद सकते हैं, नीचे नंबर दे दूंगा। इसके अलावा आप शाज़े फ़हीम भाई शूटर जेंट्स हैदराबाद से भी ख़रीद सकते हैं, उनका नंबर भी मैं नीचे दे दूंगा। ये थी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।